गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम बी के प्रसाद, योर मैथ टीचर फ्रॉम भागवत गीता। टुडे वी डिस्कस एंगल्स, कैटेगरीज ऑफ एंगल्स। यहाँ क्वेश्चन है, कैटेगराइज द फॉलोइंग एंगल्स एज एक्यूट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स एंड कंप्लीट। ये कैटेगरीज हैं एंगल्स के। अब हम यहाँ देखें, अगर इस तरीके का शेप बनता है तो इस शेप में अगर हम देखें कि दो रे, जब भी एंगल बनेगा दो रे की जरूरत पड़ेगी, और इस दो रे में हमने किया ये दो पे। अब दोनों एक साथ अगर सटा हुआ है तो ये जीरो डिग्री का एंगल बनाया। जैसे जैसे ये एक रे आगे की तरफ बढ़ेगा ये एंगल बनाते जा रहा है, इन दोनों रेयों के बीच में एक एंगल बन रहा है। यही चीज़ मैं यहाँ दर्शा रहा हूँ। यहाँ आपका जीरो डिग्री का एंगल है जब दोनों एक साथ सटे हुए हैं। जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ा ये एक एंगल बनाया। एग्जैक्ट जब ये सीधे 90 डिग्री का होगा तो इसको राइट एंगल कहेंगे। स्ट्रेट सीधा एक लाइन जैसा बन जाएगा तो इसे स्ट्रेट एंगल कहेंगे। ये इसका मेजरमेंट 180 डिग्री होगा। और इसके बाद ये जब आगे की तरफ पड़ेगा तो यहाँ से ये कंप्लीट एंगल इधर की तरफ पड़ेगा 180 से ज़्यादा, देन इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। मतलब रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, 180 से ज़्यादा, 360 डिग्री से कम। यहाँ 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम में एक्यूट एंगल, 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम में ऑब्ट्यूज एंगल। तो एंगल का कैटेगरीज आपको समझ में आ गया है। अब यहाँ हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और इन क्वेश्चनों के हिसाब से हमें एंगल्स बताने हैं कि कौन सा एंगल क्या है। ये हम लोग देखें, यहाँ 48 डिग्री, मतलब ये 48 डिग्री क्या है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज़्यादा है, इसलिए एक्यूट एंगल। ये 90 डिग्री से ज़्यादा है लेकिन 180 से कम है, इसलिए ये ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ये 90 डिग्री से ज़्यादा लेकिन 180 से कम है, इसलिए अगेन ऑब्ट्यूज एंगल। ये 180 डिग्री मैंने अभी बताया कि एग्जैक्ट 180 डिग्री होगा तो उसको हम कहेंगे स्ट्रेट एंगल। एक सीधी लाइन का रूप ले लेता है इसलिए इसका नाम स्ट्रेट एंगल है। ये हो गया स्ट्रेट एंगल। टू हंड्रेड का मतलब हो गया ये 180 से ज़्यादा लेकिन 360 से कम, मतलब ये रिफ्लेक्स एंगल। ये रिफ्लेक्स एंगल 360 डिग्री, कंप्लीट एक रोटेशन अगर कंप्लीट किया तो एक रोटेशन को हम कहेंगे कंप्लीट एंगल, और उसका मेजरमेंट 360 डिग्री होता है, मतलब ये कंप्लीट एंगल हो गया 360 डिग्री, मतलब ये कंप्लीट एंगल। 65 जीरो डिग्री से ज़्यादा लेकिन 90 डिग्री से कम तो एक्यूट एंगल, ये एक्यूट एंगल हो गया। एक्यूट एंगल 140, यहाँ एट नंबर में क्वेश्चन देखें तो ये है 140 का मतलब हो गया ये 90 डिग्री से ज़्यादा है लेकिन 180 से कम है। तो 90 से ज़्यादा और 180 से कम, ऐसी स्थिति में इसको कहेंगे हम ऑब्ट्यूज एंगल। अगेन 27 90 से छोटा है और 0 डिग्री से बड़ा है, तो 0 और 90 के बीच वाले एंगल को हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल। 0 और 90 के बीच वाले एंगल को हम कहेंगे एक्यूट एंगल, इसका नाम दिया हमने एक्यूट।
250, ये 250 नंबर देख के ही समझ में आ रहा है, 180 से ज़्यादा है, 360 से कम है। तो 180 और 360 के बीच वाले एंगल को रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, इसलिए इसका नाम रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स। 79, अगेन आप देखें 79, ये 90 से कम है, 79 का वैल्यू 90 से कम है और 0 से ज़्यादा है, इसलिए ये एक्यूट 90 से कम 0 से ज़्यादा वाले को क्या कहेंगे हम, एक्यूट। यह हो गया एक्यूट। 190 नंबर को गौर से देखना है, ध्यान देना है, 190 मतलब 180 से ज़्यादा, 180 से ज़्यादा, लेकिन 360 से कम। तो 180 से ज़्यादा और 360 से कम मतलब ये रिफ्लेक्स एंगल, इसे कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। 80 का मतलब हुआ 90 से कम है ये और 0 से ज़्यादा। कोई भी नंबर लेंगे चाहे वो 1 डिग्री ही क्यों नहीं हो, 1 डिग्री को भी एक्यूट कहेंगे और 79 डिग्री तक को एक्यूट कहेंगे, 89 डिग्री तक को एक्यूट कहेंगे। जैसे ही वो 90 होगा राइट एंगल हो जाता है, 90 का मतलब राइट एंगल। तो 80 मतलब ये 90 डिग्री से कम, अगेन एक्यूट एंगल। 2 राइट एंगल, अभी हम लोगों ने चर्चा किया राइट एंगल किसको कहेंगे, 90 डिग्री को, और 2 राइट एंगल मतलब 2 राइट एंगल का मतलब हो गया 90 और 90 दो को ऐड करेंगे, 90 और प्लस 90 ये दो को ऐड करेंगे तो ये आता है 180 डिग्री। और 180 डिग्री को हम क्या कहते हैं, एग्जैक्टली जब 180 डिग्री होगा तो उसको कहेंगे हम स्ट्रेट एंगल, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, स्ट्रेट एंगल। 4 राइट एंगल मतलब अब यहाँ 90 डिग्री का 2 नहीं 4 एंगल है और 4 को अगर हमने ऐड किया तो क्या आएगा वो देख लीजिए, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री और चारों को ऐड करेंगे ये आता है 360 डिग्री। और इस 360 डिग्री को हम क्या कहते हैं, एग्जैक्ट 360 मतलब कंप्लीट एंगल, इसको हम कहेंगे कंप्लीट एंगल। इस तरीके से कैटेगरीज किया हमने एंगलों को, आपने समझा जाना कि एंगल को हम कैसे कैटेगराइज करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।